बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, वेलकम टू साइंस क्लास। वी वर स्टडिंग चैप्टर नंबर 5, एटम्स मॉलिक्यूल्स मिक्सचर एंड कंपाउंड, एंड आवर टॉपिक फॉर टुडेज इज कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। SLOs हैं आज के लेक्चर के। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एंड एक्सप्लेन यूजेज ऑफ कॉमन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स इन डेली लाइफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड्स क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट्स, सम ऑफ देम आर एंड टू आर मोर एलिमेंट्स कंबाइंड in a fixed ratio, a compound is formed. And we have discussed elements, the matter consisting of atoms. ऐसा matter जो one kind of atoms पर consist करता है उसको element कहते हैं। Compound क्या होता है? When two or more elements combined chemically, when two or more elements are combined chemically in a fixed ratio, a compound is formed. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर इज़ द कंपाउंड मेड ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशो से केमिकली कंबाइन करें तो उसके नतीजे में कंपाउंड बनता है। जैसे हम वाटर डेली लाइफ में, जो वाटर एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हम पीते हैं, पानी, ये एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें टू हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। There are 109 elements, but there are thousands of compounds. Elements only 109 हैं, लेकिन compounds thousands present हैं. Elements in a compound cannot be separated easily. Compound की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी elements होते हैं हम उनको easily separate नहीं कर सकते. And properties of elements changes when they are combined as compounds. और elements की properties change हो जाती हैं जब ये chemically जो कि हैं वो एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, इनकी पहले प्रॉपर्टीज़ और थी, लेकिन जब ये पानी बनाते हैं एक नई चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, जैसे वाटर है, तो ये एक नई चीज़ बन के तब इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। मतलब ये पहले दोनों गैसेज थी, तो जब इन्होंने केमिकली कम्बाइन किया तो लिक्विड फॉर्म में ही आ गई, और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और कलरलेस गैसेज। अभी हमने बात की कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये कलरलेस गैसेस होती है, लेकिन कलरलेस गैसेस होती हैं, इनकी कोई स्मेल और टेस्ट नहीं होता। हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन की, कि ये बहुत क्विकली बर्न कर जाती है। बोथ ऑफ दीज गैसेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर, एंड वी कैन सी एंड टेस्ट वाटर। अब हम चलते हैं मिक्सचर की तरफ। ये कुछ एग्जांपल्स कंपाउंड्स की, जैसे टेबल सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। टेबल सॉल्ट एक कंपाउंड है जो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होता है। इसके अलावा वाटर है, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर दिस पर्पस, टू मेक फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स इन सच अ वे दैट नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ मिक्सचर। जब दो चीज़ों को हम किसी केमिकल चेंज के बिना, मतलब विदाउट एनी केमिकल चेंज, हम उनको मिक्स कर दें, एक दूसरे के साथ मिला दें, तो क्या बनेगा? उसके नतीजे में एक मिक्सचर बन जाएगा। जैसे घर में हम शरबत वगैरह बनाते होते हैं, स्कंजबीर बनानी है तो हम क्या करते हैं, पानी के अंदर चीनी मिक्स कर देते हैं, लेमन मिक्स कर देते हैं और सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। तो ये एक मिक्सचर, मतलब तीन चार चीज़ों को हमने किसी केमिकल चेंज के बिना मिक्स कर दिया एक दूसरे के अंदर, तो वो एक मिक्सचर बन गया। पार्ट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड ईजिली। केमिकल कंपाउंड में हमने क्या बात की थी, कि कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड्स में, हम उनको
ईजीली सेपरेट नहीं कर सकते, उनके लिए फिर स्पेशल प्रोसेस होती हैं, स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं कंपाउंड्स के अंदर जो मिक्सर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। जो मिक्सर है, मिक्सर के अंदर जितने भी एटम्स हैं या कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंस हैं उनको हम ईजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, और मिक्सर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलड इन अ बाउल, एक सलाद है बाउल के अंदर, वो भी एक मिक्सर है किसका, डिफरेंट फूड्स का और वेजिटेबल्स का, ठीक है, यू कैन टेस्ट देम। और टाइप्स ऑफ मिक्सर की हम बात करें तो मिक्सर की टू टाइप्स होती हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। ऐसा मिक्सर जिसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है, अब मिक्सर हैज़ यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट, मतलब जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होता है, उसको कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है। और हेट्रोजीनियस जिसमें दो चीज़ों को अगर हम मिक्स करते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं मिक्स सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे के अंदर, तो इसको हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सर की अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताई कि जब दो चीज़ों को हम कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे वाटर के अंदर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया और ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। या जो जूसेस वगैरह हम पीते हैं उसके अंदर जो उसकी अपीयरेंस होती है वो भी यूनिफॉर्म होती है, कम्प्लीटली दो या तीन जितने भी सब्सटेंस उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, उस मिक्सर में प्रेजेंट होते हैं, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं, उसको होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है कि जब दो चीज़ें कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हों एक दूसरे के अंदर उसको हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट, ऐसा मिक्सर जिसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। ये जो मिक्सर है ये डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बना हुआ है, जैसे कि मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जब हम ऑयल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। ये देखिए ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि वाटर है और साथ में ऑयल उसमें ऐड किया जा रहा है, ऑयल जो है वो उसके सरफेस के ऊपर आ गया और वाटर नीचे है, ये कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें पानी के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया हुआ तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए ये जो एग्जांपल है वाटर डिसॉल्व इन ऑयल और वी कैन से दैट अ मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट। यूजेस ऑफ मिक्सर, मिक्सर्स के यूजेस हम देखते हैं, इससे पहले हमने कंपाउंड्स के यूजेस देखे हैं। कंपाउंड्स के यूजेस में हमने देखा था वाटर की एग्जांपल ली थी कि वाटर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली थी जिसको प्लांट्स फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसको हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड्स वगैरह में यूज़ होती है, और इसके अलावा जो सोडा बॉटल्स होती हैं उसमें भी, जैसे कोका कोला होगी उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व होती है, और इसी तरह से सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली थी, सोडियम क्लोराइड के ये हम टेबल सॉल्ट है जो हम डेली नमक घर में खाते हैं उसको वो एक कंपाउंड का यूज़ है। तीन हमने यूजेस कंपाउंड्स के देखे थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट हम मिक्सर्स के यूजेस देखेंगे। मिक्सर के यूजेस में जैसे एक शरबत है, ये मिक्सर होता है किस किस चीज़ का, शुगर का, वाटर, सॉल्ट एंड टेबल सॉल्ट एंड लेमन, ये चार चीज़ों का मिक्सर होता है शरबत जो हम गर्मी में हॉट समर डेज में यूज़ करते हैं। इसी तरह से सैलड इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एज अनियन, कैरट, रेडिश एंड वी कैन से बीट, क्यूकम्बर, टोमेटो एंड कैबेज एक्सेट्रा। इस तरह से फ्रूट सैलड होता है, वेजिटेबल सैलड अलग अलग होते हैं, तो ये सैलड जितने भी टाइप के होते हैं ये भी मिक्सर की एक एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसी तरह से आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम बहुत फेवरेट चीज़ होती है सबकी, ये भी एक मिक्सर है जो किस चीज़ से मिल के बना होता है, मिल्क, शुगर एंड फ्लेवर्स में कुछ ना कुछ फ्लेवर्स हम डाल देते हैं उसको कलर करने के लिए, उसके अंदर कलर्स डाल देते हैं। तो आइसक्रीम क्या है, ये भी एक मिक्सचर है मिल्क का, शुगर का एंड फ्लेवर्स का, तो जो कि हम ये भी हम मोस्टली गर्मियों में खाते हैं, कुछ लोग को सर्दियों में भी पसंद होती है और वो सर्दियों में भी यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन मतलब ये जो आपको एक बॉटल नज़र आ रही है ये देखें, इसको हम कहते हैं टिंक्चर, ये आयोडीन का एक मिक्सचर होता है। ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोई वाउंड वगैरह या कहीं कोई
कट वगैरह लग जाते हैं हमारी बॉडी पे, हमारी फिंगर्स पे, कहीं भी, तो हम उसके ऊपर इसको जर्म्स को किल करने के लिए ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूज़ करते हैं। ये आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर होता है, ठीक है। इस तरह ये आप मोस्टली घरों में भी यूज़ होता है, अब आप लोगों के घरों में भी होगा है तो ज़रा चेक कीजिएगा। तो ये मोस्टली हम किस में यूज़ करते हैं, जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। कहीं कट लग जाए तो इसके ऊपर फ़ौरन से हम इस एक ड्रॉप इसका ऐड कर लेते हैं, उसके ऊपर डाल लेते हैं अपने कट के ऊपर, ताकि जर्म्स वगैरह से बच जाए वो वाला पाउंड जो है। इसके अलावा मिल्क, मिल्क भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ फैट्स, वाटर, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन चार चीज़ों का मिक्सचर होता है। मतलब जो मिल्क हम पीते हैं घरों में यूज़ करते हैं, वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाटर होता है, फैट्स होता है, और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आपने लेक्चर को कम्प्लीटली सुनना है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।